नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं। ये फिशर की बीमारी से परेशान थे, आर्मी के अंदर है। इनको बहुत ही बर्फ के अंदर रहना पड़ता है, बहुत टफ इनकी लाइफ होती है, बहुत परेशान थे। हमारे पास बहुत दूर से आए हैं फिशर के लिए। जरा बताइए कि आप किस परेशानी से जूझ रहे थे, क्या आपके मन में डर था, क्या संकोच था, कैसे आपको यहाँ के बारे में पता लगा, और आज 7 दिन बाद ऑपरेशन के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर, सर मेरे जैसे ये प्रॉब्लम हो रहा है, सर मैं जैसे टॉयलेट वगैरह जाता था सर बहुत ज्यादा ब्लड आता था, और सर जैसे अपना क्लीन करता था सर नीचे चेक करता था एकदम फूंसी टाइप में सर ऐसे महसूस होता था, और सर एक मास्क का टुकड़ा सर जैसे बाहर की तरफ मेरे ओपनली सर दिखाई दे रहा था। तो जैसे सर मैं उसको कभी भी टॉयलेट जाता था सर, टॉयलेट में जब भी फ्रेश होने के लिए बैठता था उसे दिल ऐसा करता था सर अपना सिर्फ दीवारों से टकरा दूं सर, इतना तेज ब्लड आता था, इतना पेन होता था। टॉयलेट करने के बाद में सर जब वाटर से क्लीन करता था तो भी सर बहुत तेज गर्म होती थी। उसके बाद सर मैं आके अपनी चारपाई पर सर ऐसे लेट जाता था सर, ना तो किसी को बता पा रहा है प्रॉब्लम ऐसी थी, किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे, किसी को शेयर करते तो आधे से ज्यादा लोग तो इसको मजाक समझते सर, जबकि ये प्रॉब्लम आजकल जनरल प्रॉब्लम हो रखी है सर, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम सर टाइम टू टाइम बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि सर एक हमारी ड्यूटी है सेवी में होगी, ना तो खाने का टाइम है सर, ना सोने का टाइम है। हम लोगों को ये नहीं बता रहे कि हमें कब ड्यूटी निकलना है, कब ड्यूटी से वापस आना है, कभी रात में 2 बजे जा रहे हैं, कभी सर 3 बजे नाश्ता कर रहे हैं, कभी रात को 12 बजे नाश्ता कर रहे हैं सर, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है सर ड्यूटी का। उसके बाद सर मैं जैसे बहुत ज्यादा सर इतना परेशान हो गया था, फिर सर मेरा दोस्त है उसने सर महावीर, उसने सर मेरे को सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे जयपुर में पाइल्स हॉस्पिटल है उसमें आप जाइए, वहाँ आप अपना चेकअप करवाइए, वहाँ आपको अच्छा वो मिलेगा। फिर मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता था, बोला सर फर्स्ट टाइम मेरे चाचा जी ने 2012 में यहाँ से ऑपरेशन करवाया, उसके बाद में हमारे फैमिली में कम से कम सर 8 या 10 मेंबरों ने ऑपरेशन करवा चुका, सर लास्ट ईयर वो बंदा भी सर ऑपरेशन करवा के गया है। उसके बाद सर उसने पूछा कि उसने सर आपका एड्रेस दिया, उसके बाद सर मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में आपसे मिला सर, आपने मेरे को बताया कि आपका ऑफिसर और स्टाफ को ऑपरेशन करवाना है, सर मैंने एट ए टाइम डिसीजन लिया सर आप ऑपरेशन कर दीजिए। उसके बाद में सर मुझे उसी एट ए टाइम सर ऑपरेशन होने के 1-2 घंटे बाद में सर नॉर्मल हल्का हल्का रिलैक्स महसूस होने लगा था। आफ्टर 7 डेज सर मैं यहाँ चेकअप करवाने आया हूँ, तो सर मेरे को बेटर फील हुआ। सर मैं यही दुआ करता हूँ जिसको भी प्रॉब्लम है वो आके यहाँ अपना चेकअप कराए और ट्रीटमेंट ले सर। थैंक यू सर। थैंक यू।